SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address SBN University, NH26, Narsingpur Road, Sironja, Sagar, Madhya Pradesh. प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भले ही लंबी लॉकडाउन के पक्ष में ना हो, लेकिन एमपी के बैतूल स्थित एक गांव में ग्रामीणों ने कोरोना की चेन तोड़ने स्वेच्छा से 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। बैतूल परतबड़ा मार्ग पर खेड़ी सावलीगढ़ की जनसंख्या करीब 8000 है। इस गांव में वर्तमान में कोरोना के 27 एक्टिव केस हैं और यहां पर 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते ग्रामीणों ने, ग्राम पंचायत और व्यापारियों ने मिलकर निर्णय लिया कि संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन ही अच्छा उपाय है। दरअसल महाराष्ट्र की सीमा से लगे बैतूल जिले में भी कोरोना बेकाबू हो गया है। यहां हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की एवरेज संख्या 65 हो गई है। अकेले मार्च के महीने में खेड़ी सावलीगढ़ में 18 कोरोना मरीज पाए गए थे, जिसमें एक परिवार के 10 सदस्य शामिल थे। मरीजों की संख्या बढ़ते देख ग्रामीणों ने लॉकडाउन जैसा कड़ा कदम उठाने का निर्णय ले लिया। ग्रामीणों ने स्वेच्छा से लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव प्रशासन के सामने रखा तो उन्होंने भी सहमति दे दी। ग्रामीणों ने खेड़ी सावलीगढ़ के गांव में और गलियों में बैरिकेड्स भी लगाए हैं। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक लगे इस लॉकडाउन में गाँव की सभी दुकानें बंद हैं और लोग भी घर से नहीं निकल रहे हैं। पूरी बात तो यह है कि ग्राम खेड़ी सावलीगढ़ में विगत 1 माह से जो कि कोरोना की चपेट में है, लगभग 8000 की आबादी है इस गांव की, और यहां पे लोग एक के पीछे एक संक्रमित होते जा रहा है दिन पे दिन। तो इसकी चिंता व्यापारी संघ ने यहां पे तहसीलदार महोदय और SDM महोदय को ज्ञापन दिया कि भाई हम स्वेच्छा से लॉकडाउन लगवाना चाहते हैं, मार्केट बंद करना चाहते हैं। तो इस पर SDM साहब ने इसकी अनुमति दी और साप्ताहिक बाज़ार से लेकर के और स्वेच्छा से प्रतिदिन जो व्यापारी संघ ने लॉकडाउन लेने का निर्णय लिया। कितने दिन तक के लिए? आज 8वां दिन है लॉकडाउन का। कितने दिन के लिए आपने अनुमति लिया? ये 10 तारीख तक का है। यहाँ पे कुछ मरीजों की मौत भी हुई है, कितने क्या मरीज? हाँ, यहाँ कोरोना से लगभग आधा दर्जन मरीजों की मौत हो चुकी है। इसको लेके जो यहाँ के गाँव वाले, इनका किस तरीके से समर्थन मिला? हाँ, गाँव वालों का बंद के लिए बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। पहले लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, अब सब मास्क लगाने लग गए और लोग बाहर निकलने से डरने लगे। सब में भय है कोरोना को लेकर के, और जैसे भी हो लोग प्रयास कर रहे हैं स्वेच्छा से कि इसकी चैन टूटे। अच्छा, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि शहरों में, जैसे बैतूल की बात कर लें तो वहाँ पे 1-2 दिन का भी लॉकडाउन लगाने से कतराते हैं व्यापारी, यहाँ पे पूरा आपने 8-10 दिन से लगाया और आगे भी लगा रहे हैं? देखो, आज कोई भी दुकानदार है जो 1 दिन के लिए भी दुकान अपनी बंद करना नहीं चाहता, बड़ा मुश्किल काम है 1 दिन बंद कराना, लेकिन लगातार आज 8वां दिन है और लगभग 11 दिन के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है व्यापारी संघ के आह्वान पर, जो कि एक काबिले तारीफ है। मेरा नाम राजू राठौर है। मैं बताइए, जो यहाँ पे अभी लॉकडाउन लगाया गया है, व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ। ये जो लॉकडाउन लगा है, यहाँ पर कोरोना महामारी बहुत अधिकता में फैल रही थी। यहाँ करीब करीब मैंने 6-7 डेथ हो चुकी और बहुत अत्यधिक रूप से यहाँ पर पेशेंट निकल रहे थे, और यहाँ तक कि एक ही परिवार में 8-10 लोग निकले। तो इस वजह से लॉकडाउन लगाने की यहाँ के ग्रामवासियों ने और व्यापारी संघ ने, जो है ग्राम पंचायत ने, सब ने मिल के एक सोचा कि यार गांव को कैसा सुरक्षित रखा जाए। इस हिसाब से हम लोगों ने बैठ के और यानी निर्णय लिया कि जब तक के हम अगर गांव में बंद नहीं करेंगे और लॉकडाउन नहीं करेंगे, जब तक व्यवस्था सुधरनी नहीं है, क्योंकि लोग एक दूसरे के संपर्क में आते जाएंगे और ज़्यादा महामारी फैलेगी। इस वजह से हमने सब ने ये सोच के निर्णय लिया कि लॉकडाउन ही एक सहारा है, जिसके वजह से हम अपने गांव को सुरक्षित रख पाएंगे। इस वजह से सभी ने दिन के लिए आपने बंद करने की? ये सर समथिंग 11 दिन के लिए किया हमने लॉकडाउन। बंद करने के बाद क्या कमी आई है मरीजों में यहाँ पर? नहीं, बंद करने के बाद सर कमी तो आई है। अभी मैं समझता हूँ 2-3 दिन से पेशेंट, जो पहले के सैंपल 60 गए थे उसमें से 11 लोग पॉजिटिव आए, नहीं उसके बाद में अभी आए नहीं है कोई पॉजिटिव। सर, ये खेड़ी गांव है, वहाँ पर ग्रामीणों ने स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाया है,
क्या पूरा मामला है, क्या बात हुई है? खेड़ी सावलीगढ़ में अभी कोरोना के नए स्ट्रेन जो महाराष्ट्र से होके आई है, समीपवर्ती जिला होने के कारण गांव में अभी तक पिछले मार्च महीने में उस ग्राम में 18 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से एक ही परिवार के 10 मरीज हैं। तो गांव वाले जो दुकानदार हैं उन्होंने स्वेच्छा से दुकान बंद करने के लिए सहमति दी, तो करीबन एक सप्ताह से गांव की सारी दुकानें बंद है। साथ ही खेड़ी सावलीगढ़ में जो साप्ताहिक बाज़ार लगती है उसको भी हमने आगामी आदेश तक बंद करवा दिया है, और हम कलेक्टर सर के निर्देशन में वहां मास्क अभियान भी समय समय पर चला रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएँ। और भविष्य में भी हम अपील करते रहेंगे कि किसी प्रकार के कोई आयोजन, धार्मिक आयोजन जहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है वो न किया जाए, ये हम आम जनता से अपील करते हैं। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरोंजा सागर। हमारा नंबर है 07582281000।